नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश। जी हाँ, स्कॉलर फॉर्म जो है अब सभी कक्षाओं की, क्लासों की या फिर स्कूल कॉलेजों की लगभग में स्टार्ट हो चुके हैं। चूँकि कल हमने जब फॉर्म को अप्लाई किया और मैंने पूरा जाँच किया तो मुझे लगा कि ज़्यादातर स्कूलों के और क्लासों के फॉर्म जो स्टार्ट हो चुकी है, 9th 10th 11th 12th के लिए है। और साथ ही साथ अब आपको यहाँ पर जो बीकॉम में स्टार्ट हो गए और सभी कॉलेज विद्यालयों के लगभग में स्टार्ट हो चुके हैं। शायद ही कोई एक या दो कॉलेज ऐसे होंगे जिनका पाठ्यक्रम ब्रांच ओपन नहीं हुआ होगा, अदरवाइज सबके ओपन हो चुके हैं और फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। जांच हेतु प्रिंट निकाल कर स्कूल में भी स्टूडेंट ले जाने लगे हैं और चेक करवाने लगे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी बड़ी बिग मिस्टेक हो रही है जिससे हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि आप भी उनमें से हैं तो प्लीज़ सचेत हो जाइए और अपने फॉर्म को थोड़ा अच्छे से चेक करिए। और वीडियो को पूरा आप यदि देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो जांच हेतु प्रिंट हम चेक करने के लिए ले जा रहे हैं तो उसमें कहाँ पर फॉल्ट हो रहा है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है और इसका समाधान कैसे होगा। यदि आप डिजी लॉकर की प्रॉब्लम से परेशान हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, OTP नहीं आ रहा है या फिर फाइल सबमिट नहीं हो रहा है, जाँच हेतु प्रिंट नहीं निकल पा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम स्कॉलर के अंदर आ रही है तो आप नाइट में उस फॉर्म को करेंगे तो जो भी ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है, चाहे वो डिजी लॉकर की हो या फिर आधार कार्ड की हो या फिर रजिस्ट्रेशन की हो या फिर OTP की हो या मोबाइल OTP की हो, सारी समस्या का समाधान आपका बहुत ही जल्दी 1 मिनट के अंदर मुझे लगता है आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैंने नाइट में किया तो फटाफट फटाफट होता चला गया, कोई ऐसी समस्या नहीं आई, चाहे लोकर का सत्यापन हो या फिर आधार का सत्यापन हो, सब कुछ खटाखट होता चला जा रहा है। दिन में क्या है कि सभी लोग साइट पर सर्व करते हैं, बिजी रहते हैं, तो साइट बिजी रहती है, सर्व बिजी रहता, काम नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ मेरे प्रिय स्टूडेंट कैंडिडेट, आप जो है लगभग 9 बजे के बाद यहाँ से प्रयास करना शुरू करेंगे और जितना ही भी रात होती चली जाएगी उतनी साइड आपकी बेस्ट एंड बेस्ट चलती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो चुकी है रात और हम अब करने जा रहे हैं, 11:54 का टाइम हो चुका है यहाँ पर। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पर साइड जो है ज़्यादा समय नहीं लेती और ओपन हो जाती है। SC ST जनरल से तो इस वाले सेक्शन में जाएंगे आप, और OBC हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं या फिर समाज कल्याण विभाग द्वारा अस्वच्छ PSC में लगी माता पिता अभिभावक की कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत बच्चों के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यहां से आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं आप यहां समझ गए होंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे करना है। अब देखिए फ्रेश लॉगिन है या फिर रिन्यूअल लॉगिन है, तो फ्रेश पर जाएंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन ओपन आते हैं और इसका रिन्यूअल पर जाएंगे तो ये वाले ऑप्शंस ओपन होते हैं। ठीक है, तो यदि आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से जाके यहाँ पर आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट BA BSc BCom BEd DLED वाले ऑप्शन पर लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा और पासवर्ड यानी कैप्चा डालकर यहाँ सबमिट करेंगे और पोर्टल आपका लॉगिन हो जाएगा। और जहाँ हम लोग डिटेल फिल कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, यानी कि डिजी लॉकर सत्यापन के बाद, मोबाइल सत्यापन के बाद आवेदन पत्र भरें, आवेदन पत्र में हम सब कुछ सही से सही भर रहे हैं, बट जो जांच हेतु प्रिंट आ रहा है उसमें एक बिग मिस्टेक हो रही है जो हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप चेक करवा के सीधा लॉक करवा दें और पता चले कि आपने वो डिटेल्स उसमें भरी नहीं है और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए और आपका स्कॉलर भी ना आ पाए, तो ऐसा ना हो। ठीक है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो चलिए हम लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है कहाँ पर आ रही है।
इस प्रकार डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है, देख सकते हैं स्टेप 6 तक जो है प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में जांच हेतु प्रिंट भी यहाँ निकल चुका है। जैसे ही कैंडिडेट फॉर्म को चेक करता वैसे ही यहाँ से लॉक कर दिया जाएगा। अगले 24 घंटे के बाद यहाँ से फाइनल बंड निकाल कर इंस्टीट्यूट में जमा कर दिया जाएगा और वहाँ सर से बोला जाएगा, सर प्लीज हमारे फॉर्म को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और सर कॉलेज के आपके फॉरवर्ड कर देंगे और आपका स्कॉलर फॉर्म सही से फिल हो जाएगा और स्कॉलर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बट उससे पहले जो सावधानियां बरतनी है उसको अच्छे से समझ लेंगे तो और भी ज़्यादा आपको स्कॉलर आने में कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, चूंकि फॉर्म पहले से फिल हो चुका है और जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ दिखा दें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद आप आवेदन पत्र को संशोधित कर क्लिक करेंगे तो वहाँ भी डिटेल आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब आपने फ्रेश तरीके से फॉर्म को किया होगा तो आपने 10th और 12th की डिटेल्स को ज़रूर फिल किया होगा। यदि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन की डिटेल यानी कि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन को फिल किया होगा। बीए बीएससी कर रहे हैं तो आपने हाई स्कूल इंटर का फिल किया होगा। तो वो डिटेल्स वहाँ हमने सेव की है अपनी आंखों के सामने, बट जब जांच हेतु प्रिंट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो शो नहीं हो रही है जांच हेतु प्रिंट पर। जब आप संशोधन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। तो ये सर्वर इशू हो सकता है, एक साइड एरर हो सकता है, जो लगभग लगभग मेरी समझ में 3 से 7 दिन के बीच में ये अपडेट हो जाएगा मेरा अनुमान है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है 1 हफ्ते के अंदर पूरा जो जो भी इशू आ रहा है डिटेल्स का, 10th और 12th या जो भी ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं पात्रता में, तो वो डिटेल्स वहाँ जांच हेतु प्रिंट पर नहीं आ रही है। उसके बाद जब संशोधन में जा रहे हैं तो वहाँ भी वो डिटेल आपको नहीं दिख रही है। तो ये इशू जो है बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। तो आप जो जाँच हेतु प्रिंट कॉलेज में दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, अच्छी बात है, चेक कराइए, सब कुछ कराइए, लेकिन जो 10th और 12th की डिटेल आप जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, फ्रेशर यानी कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में नहीं किया, आप सेकेंड ईयर में कर रहे हैं तब भी आप फ्रेशर हैं, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किया केवल थर्ड ईयर में कर रहे हैं तब भी आप फ्रेशर हैं, यानी कि आप नए सिरे से कर रहे हैं, चाहे आप पहली साल कर रहे हों या दूसरी कर रहे हों या तीसरी कर रहे हों। यदि आप नए सिरे से फॉर्म बुक कर रहे हैं तो जो भी डिटेल आप 10th 12th ग्रेजुएशन भरेंगे वो जांच हेतु प्रिंट में शो करेगी, बट अभी साइड इशू है तो नहीं कर रही है, और जैसे ही साइड अपडेट होगा तो वो वहां पर शो करने लगेगा। तब तक के लिए आपको फॉर्म को लॉक नहीं करना है मेरे दोस्तों, फॉर्म को लॉक नहीं करना है। आप फॉर्म को आप अच्छे से चेक करा लीजिए, ठीक है, फिर आप कुछ दिन बाद 3-4 दिन बाद फिर से ट्राई करिए और फिर से संशोधन में जाके आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हाई स्कूल डिटेल या जो भी डिटेल्स आप वहाँ पर फिल कर रहे हैं उसको फिल करिए, अपडेट करिए, उसके बाद फिर से जांच हेतु प्रिंट करिए। जब तक वहाँ शो ना होने लगे तब तक आप लॉक न करें। जब शो होने लगे और आप स्कूल में चेक करा ही चुके होंगे पहले से, ठीक है, तो पूरा अच्छे से फिर चेक करेंगे, उसके बाद फाइनल लॉक करेंगे, उसके बाद जब प्रिंट निकालेंगे तो बिल्कुल डिटेल्स आपकी सही आएगी, फॉर्म भी आपका 100% एक्सेप्टेड होगा। तो चलिए जांच हेतु प्रिंट पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सिक्योर्ड रीजन से कुछ डिटेल को यहाँ हाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं 19 नंबर कॉलम जो है विगत वर्षों की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं का विवरण। तो क्रमांक है शैक्षिक होता है 3 वर्ष पूर्णांक प्राप्त अंक प्रस्तुत है बोर्ड विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी का नाम। यहाँ पर हेडिंग्स दी हुई है बट यहाँ जो है 10th 12th जिस प्रकार भी आपने पात्रता भरी है, इंटर का भरा है तो हाई स्कूल इंटर है, ग्रेजुएशन भरा तो आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की, यहाँ डिटेल्स जो है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए चाहे वो पहली साल की हो या फिर दूसरे को या तीसरे को नए सिरे से जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें डिटेल यहाँ पर 119 नंबर कॉलम पर होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रही है। समय रहते जैसे अपडेट होगा वो डिटेल यहाँ शो होने लगेगी। यदि यहाँ नहीं शो हो रही है तो आप आवेदन पत्र संशोधन में जाएंगे, वहां से संशोधन करके फिर से आप जांच हेतु प्रिंट चेक करेंगे। जब आपको यहाँ दिखने लगे तब जान लीजिए आपका फॉर्म सही से एक्सेप्टेड है। उसके बाद आप अपने फॉर्म को पूरा स्कूल में अच्छे से चेक कराइए, उसके बाद फिर से जांच हेतु को चेक कर लीजिए कि डिटेल यहाँ 19 नंबर कॉलम में शो हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा, स्कॉलर की बहुत ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं।